जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एसके क्रिकेट में आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरे से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं टॉप किस्म की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि आपके कोचेज कब आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अवेलेबल कब होंगे, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और बात करते हैं। फिर जो कल की कंट्रोवर्सी छाई हुई है कि इमाद वसीम को T20s में सेलेक्ट किया गया और ODIs में क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं और कौन उनके रास्ते में हावी यानी कि रुकावट के तौर पे सामने आया है उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। और बात करते हैं आगे जाके कि हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं वो भी निकल के सामने आ रहे हैं, वो क्या सीन है। और बात करते हैं थोड़ी सी जो मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो नजम सेठी साहब उन्होंने जो ट्वीट किया उसके ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो क्या सीन है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बात करते हैं जो पहली खबर निकल के सामने आ रही है, जो आपके कोचेज़ हैं वो कब तक अवेलेबल होंगे। अभी जो पाकिस्तान की जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसके लिए कोचेज़ अभी तक आपके पास अभी तक आए नहीं है। आपके जो बॉलिंग कोच है वो IPL में बिजी हैं, जो आपके बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे या कह लें टीम मैनेजर के तौर पे, जो डायरेक्टर के तौर पे कह लें, वो आपके जो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपने मिकी ऑर्थर के साथ ही रखी थी कि वो जिस हालत में भी हमें मिलेंगे हमें कबूल है, तो वो आपके डर्बी शहर के साथ बिजी हैं। तो आपके पास एक जो चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पास क्या इंटरिम कोचेज ही आपके साथ जाएंगे या फिर आपके बॉलिंग कोच और आपके ये भी जो टीम डायरेक्टर के नाम से जो मंसूब किए गए हैं मिकी ऑर्थर साहब, वो भी आपकी टीम का हिस्सा होंगे। तो बात करें सबसे पहले तो हमारे जो फॉरेन कोचेज हैं जो कि बैटिंग कोच हैं प्यूटिक वो, और उसके अलावा जो टीम के हेड कोच हैं ब्रैडबर्न साहब, वो 11 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर दे रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि आपके दोनों कोचेज जो बैटिंग कोच हैं और साथ में जो आपके हेड कोच हैं प्यूटिक और जो आपके ब्रैडबर्न हैं, वो दोनों यहाँ पे पहुँचने वाले हैं पाकिस्तान 11 अप्रैल को। और जो मिकी ऑर्थर साहब हैं जो कि कंसल्टेंट के तौर पे काम करेंगे और पाकिस्तान को सहारा देंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे पाकिस्तानी टीम के साथ, तो वो 18 अप्रैल को पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। यानी कि 14 अप्रैल को मैच स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद एक दो तीन मैचेस के बाद आपके पास पहुंचेंगे। इसके अलावा बॉलिंग कोच की बात करें तो आपके जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर हैं मॉन्टी मॉर्कल, वो IPL के साथ बिजी हैं। उनकी मौजूदगी उनकी गैर मौजूदगी में आपके जो पिछले इंटरिम बॉलिंग कोच थे वही दोबारा जिम्मेदारियां संभालते हुए नज़र आएंगे। यानी कि उमर गुल की बात कर रहा हूँ, वही आपके इंटरिम बॉलिंग कोच होंगे। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई थी, मैंने कहा आप तक पहुँचा दी जाए। इसके अलावा जो अगली खबर है उसके ऊपर बात कर लें कि कल जो कंट्रोवर्सी चल रही है, नजम सेठी साहब ने जो ट्वीट किया मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के भी सुना दूँ, जो कि शायद कुछ दोस्तों ने ना देखा हो लेकिन हमने जब देखा तो हमारे तो दिल इस तरह दुख से भर गए कि यार आपने क्लियर तो करें, आपने हर चीज़ क्लियर कर देते हैं, आप क्यों इस तरह की बाहर मीडिया पे सोशा छोड़ देते हैं कि भाई देखो अब बैठ के कि मैंने ये फिर एक दफ़ा बयान दे दिया है, अब फिर बैठ के कोई ना कोई कहानियाँ बनाते रहो कुछ करते रहो, फिर आप बाद में ट्वीट में आगे ट्रोलिंग करते हो जर्नलिस्ट को। बात करूँ तो यहाँ पर जो इन्होंने ट्वीट किया वो पढ़ के सुना दूँ। बाबर आजम केम टू सी मी टूडे, आई टोल्ड हिम ही विल लीड द ODIs एंड T20 इंटरनेशनल टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड देन द रियल PCB अनाउंस द स्क्वाड, सो ऑल दोज हु आर स्प्रेडिंग फेक वेयर्स आर आउट ऑफ जॉब्स टूडे। आपने समझा होगा लेकिन मैं आपको जो इसमें मेन मुद्दा है वो आपको एक दफ़ा फिर पढ़ के सुनाता हूँ। आई टोल्ड हिम ही विल लीड द ODIs एंड T20 इंटरनेशनल टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, यानी कि हमने उनको बताया कि आप इस दफ़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की ODIs और T20 इंटरनेशनल की टीम लीड कर रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, ये बताना उनको ज़रूरी था। ये मेन मुद्दा है जो कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या हमें फिर दोबारा पजल किया जा रहा है कि हम हर सीरीज़ में पहले कैप्टनसी के ऊपर खबरें आया करेंगे कि वो बाबर आजम कैप्टन है, वो शादाब खान कैप्टन है, वो रिजवान को हम दे रहे हैं, वो हमें इसको फिर शफल कर रहे हैं, तो आपके पास एक रियलिटी में कौन कैप्टन है आपने ये बताएंगे तो फिर ही पता चलेगा आपके पास कोई आगे बैकअप प्लान के तौर पे है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह की खबरें क्यों ब्रेक करते हैं ताकि आप आवाम का रद्दमल चेक कर सकें, आप मीडिया का प्रेशर चेक कर सकें।
तो मुझे नहीं समझ आई कि नजम सेठी साहब ने ये क्यों कहा कि मैं उनसे मिला हूँ आज और मैंने बात की है कि आप ODIs और T20 इंटरनेशनल की टीम, आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ के खिलाफ आप लीड कर रहे हैं, उनको बताना क्यों ज़रूरी था और ट्वीट में लिखना ये क्यों ज़रूरी था, इसकी समझ मुझे नहीं आई। अगर आपको आई है तो आप भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको ये समझ आई है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल इस तरह के सीन नज़र आ रहा है कि हर सीरीज़ से पहले ये शोशा छोड़ा जाएगा कि देखते हैं कि अवाम का क्या रद्दअमल होता है, अवाम किस तरह जाती है इसके पीछे और अवाम क्या बाबर आजम के बगैर टीम को कबूल करती है। तो ये बड़े सवाल आते उठ रहे हैं नजम सेठी साहब की तरफ, अब देखते हैं कि वो टॉप ट्रेंडिंग कर रहे हैं दो दिन से, जो कि डिस्ट्रॉयर नजम सेठी के नाम से जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, पता नहीं कौन है वो ट्रेंड सेटर जिन्होंने ये ट्रेंड चला रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत ही पैथेटिक किस्म की अप्रोच है। जो भी है हमें क्लियर किया जाए कि यार बाबर आजम आपके फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा हैं या फिर एट दी एंड आपने हर सीरीज़ में पहले एक प्रेशर क्रिएट करना है फिर उसके बाद आपने हटाने की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो बड़े नाम बीच में पीछे छुप के काम कर रहे हैं वो आपके सामने अनकरीब ही आ जाएंगे, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि कौन है वो, लेकिन आपके सामने आ जाएंगे। हम भी थोड़ा सा यहाँ पे पर्दा रख के भी बात करेंगे, जब खुल के सामने आएंगे तो मैं आपको फिर नाम भी बताऊँगा कि क्या पीछे काम चल रहे हैं और बाबर आजम कैप्टनसी को क्या थ्रेड्स हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रेक भी करेंगे। इसके अलावा बात करें जो अगली खबर निकल के सामने आ रही है इमाद वसीम के ऊपर, कि इमाद वसीम को पिछले PSL का सीज़न देख लें, CPL देख लें और वहाँ पे BPL देख लें, इतने अच्छा खेल के आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म में है, उनके बारे में बातें चल रही हैं कि अगर उनको T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में आपने चांस दिया तो आप उनको ODIs में क्यों नहीं कंसर्न कर रहे, आप उनको क्या वर्ल्ड कप नहीं खिलाना चाहते, आप उनकी जगह फिर वो नवाज़ को ही लेके जाना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है कि उनकी रास्ते में जो हायर रिकावट है वो है बाबर आजम। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं चाहिए इमाद वसीम ODIs में, मुझे सिर्फ T20s में आप दे दें, मैं उनका वहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन एट दी एंड मुझे वहाँ पर नवाज़ ही मेरे मैच विनर है और वही मुझे मैच जितवा के देंगे ODIs में, सॉरी नवाज़ को ODIs में रखा गया है। और यहाँ पर आपको नवाज़ के साथ इमाद वसीम भी नज़र आ रहे हैं T20s में, तो वहाँ पे आपको क्यों आपको लग रहा है कि इमाद वसीम की वहाँ पे जगह नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं इस PSL के, आपके पास फिर भी क्या सिनेरियो है कि आप उनको ODIs नहीं खिलाएंगे, आपके पास एक अच्छा प्लान तैयार है, आपके पास प्लेयर्स तैयार हैं, आप क्यों नहीं उनको यूटिलाइज़ कर रहे, क्यों अपनी नाक और ज़िद को सामने लेके आ रहे हैं। बाबर आजम इस टाइम अपने पाकिस्तान में अपने लाहौर में अपने घर में मौजूद हैं और चिल कर रहे हैं, आगे गेमें वगैरह खेल रहे हैं, उनकी तस्वीरें शेयर हुई हैं, उन्होंने ट्वीट किया तो ठीक है, देख के अच्छे भी लग रहे हैं कि यार उमरा करके आए हैं फिर उसके बाद अब चिल कर रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ मिलके टीम बना ली, अनाउंस करवा ली, अब वो चिल कर रहे हैं, अब उसके बाद उन्होंने 7 तारीख को कैंप को ज्वाइन कर लेना है, फिर कैंपिंग होगी, फिर बाद में न्यूजीलैंड की टीम पहुँच जाएगी पाकिस्तान, फिर वो सारा सीन चलना शुरू हो जाएगा, फिर आगे लॉन्ग ये पूरा महीना फिर आगे पूरी सीरीज चलेगी। तो ये पूरा एक सिनेरियो जो नज़र आ रहा है उसमें जो बीच में अंदर की खबरें हैं वो मैं आपकी खिदमत में लेके अभी तक हाजिर हो रहा हूँ, कि जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि इनके पीछे जो इमाद वसीम को ODI स्क्वाड में शामिल ना किए जाने के पीछे बाबर आजम है। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम भी ज़्यादा रुकावट हैं, क्योंकि मुझे ठीक है हर तरफ से कोई ना कोई खबर निकलती रहती है, लेकिन एट दी एंड यही है कि आपके पास और कोई बैकअप के तौर पे तैयार नहीं है। आपने नवाज़ को देखा हुआ है, उन्होंने क्रूशल मोमेंट में हमें हरवाया भी हुआ है, आप जितना मर्जी कह लें कि वो हमारे मैच विनर है, लेकिन क्रूशल मोमेंट पे हाथ पांव फूल जाते हैं नवाज़ के भी। तो चलें अब जो भी होगा देखेंगे आगे वर्ल्ड कप तक क्या सीन बनता है, क्या इनको शामिल किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इनकी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एट दी एंड देखेंगे जब फाइनल स्कोर होगा, आपको पता है इक्का दुक्का चेंजिंग की गुंजाइश होती है आखिरी दिन तक, तब जाके देखेंगे इमाद वसीम को स्क्वाड में शामिल किया जाता है या फिर इनको दोबारा ही बाहर रखा जाता है। इसके अलावा बात करते चलें थोड़े से जो हफीज़ साहब हैं उनके ऊपर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, उनको MCC क्लब ने ऑनरी अवार्ड दिया है लाइफ मेंबरशिप बाय मैरीलैंड बॉर्न क्रिकेट क्लब, इन्होंने दिया जो कि इंग्लैंड का MCC है, यहाँ पाकिस्तान का भी दौरा कर चुका है ये क्लब, इन्होंने मैचेस खेले थे लाहौर कलंदर के खिलाफ, यहाँ पे लाहौर के ज़ाफ़ी स्टेडियम में उनको देखने भी गया था, काफ़ी अच्छा हो, तब कुमार संगकारा वहाँ पे कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे यानी कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन अब फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ तो MCC क्लब ने लाइफ टाइम आपको मेम्बरशिप जो दी है उसके ऊपर जो नज़र आई है आपको, उसमें मोहम्मद हफीज़ साहब जो पाकिस्तान की तरफ से आपको इस स्क्वाड में नज़र आएंगे और इनको एजाजी तौर पे इस मेंबरशिप में
अनाउंस किया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दें, और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।